हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास नंबर 25 है, जो 1000 क्वेश्चन आंसर जो हम करने वाले हैं, 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो देखो, 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में अगर आज क्लास नंबर 25 है, तो हर क्लास में हम 10 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम 250 क्वेश्चन कम्प्लीट कर चुके हैं, और 1/4 पार्ट ऑफ का कम्प्लीट कर चुके हैं, 3/4 पार्ट बाकी है। और एक्स्ट्रा हमने इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग के क्लासेस लिए थे, जिसमें क्वेश्चंस एक्चुअली इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग का भी क्वेश्चंस हमने लिए थे, तो वो अराउंड 10 क्लास है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने जो है 350 क्वेश्चंस अभी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा जो टारगेट होगा वो 650 का टारगेट है, ठीक है। तो हम वो कंप्लीट कर ही देंगे जल्द ही, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर DFCCIL 2021 सक्सेस की फॉर योर सिलेक्शन। मात्र 99 रुपीज़ में ये बुक आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और ये ई बुक है। ये आप जैसे ही पेमेंट वगैरह कर देते हो, तो आपको 15 मिनट रुकना है, और आपके मोबाइल के डाउनलोड सेक्शन में देखना है, आपको ये बुक मिल जाएगा। चलिए बहुतों की बातें, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इंडिया एंड डैश आर ऑल सेट टू कंडक्ट देयर फर्स्ट नावल एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंद, ठीक है, 2021। तो कौन सा देश है जो हमारे साथ पहला नौसैनिक अभ्यास करने जा रहा है, जिसका नाम है अल मोहद अल हिंद। तो वो है सऊदी अरेबिया। कौन सा देश है ये? सऊदी अरेबिया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द इंडियाज कैंपेन टू एयरलिफ्ट पीपल इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जिस तरह की क्राइसिस हो रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो हमें हमारे इंडियन सिटीजन जितने भी वहाँ पे है, उनको वहाँ से लेकर आना है। तो एयरलिफ्ट एक ऑपरेशन चल रहा है, और उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया है? ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या नाम रखा गया है? ऑपरेशन देवी शक्ति। कल की तरह ही आज जो है करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विच स्कीम ऑफ ₹6 लाख करोड़ हैज़ बीन लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार की ओर से की द्वारा 6 लाख करोड़ रुपए की कौन सी योजना शुरू की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है योजना नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम, ठीक है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम, जो कि 6 लाख करोड़ रुपये की स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट स्मोक टावर हैव बीन कमीशन। तो कंट्री का स्मोक टावर जो है वो कमीशन किया जा रहा है। कमीशन क्या मतलब, हो चुका है सक्सेसफुल कमीशन, वो किया गया है दिल्ली में, ठीक है। ये न्यूज़ बनी थी, बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं परचेस की तो टेस्ट सीरीज़ परचेस कर लेना testbook.com से। मेरा कोड यूज़ करना CTMV7N, ठीक है, CTMV7N, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड जो भी लोग टेस्ट सीरीज जितने भी लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, सपोज़ आपने कुछ सब्जेक्ट टेस्ट वगैरह दे दी, 25-25 क्वेश्चन के अगर सब्जेक्ट टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, तो उस 25 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन नहीं बने, 20 क्वेश्चन आपने जो है आंसर कर दिए, उस 20 क्वेश्चन में से भी आपके 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं रॉन्ग हो, ठीक है। तो ऐसे कंसिडर करें कि 3 क्वेश्चन रॉन्ग है और 5 क्वेश्चन नहीं बने, तो 8 क्वेश्चन जो है उस 25 क्वेश्चन में आपके नहीं बने हैं। तो जो समझदार व्यक्ति होगा, जो समझदार स्टूडेंट होगा, वो क्या करेगा, वो 8 क्वेश्चन कहीं कॉपी कर लेगा, एक नोटबुक बनाएगा, स्पेशल नोटबुक, उसमें कॉपी करेगा और उस क्वेश्चन को पढ़ता रहेगा, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन रिपीट हो। क्योंकि देखो, टेस्ट सीरीज बनाने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो स्पेशली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है टेस्ट बुक के साथ। मैंने SSC JEE का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा टेक्निकल बहुत बढ़िया था, बट मेरा GK इतना स्ट्रांग नहीं था। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ GK के लिए जब स्टार्टिंग में एकदम नया जब हम स्टार्ट करते हैं, तो मैं फाइनल ईयर में थी, और तो मैंने क्या किया था, GK के लिए सिर्फ और सिर्फ GK वो जो टेस्ट बुक पे मैंने रिलाई किया था। मैं टेस्ट बुक के पूरे टेस्ट सीरीज़ मैंने अप्रोक्स ऑलमोस्ट टेस्ट सीरीज तो दे दी थी, बट सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज जो होते हैं ना GK के, वो मैंने पूरे कंप्लीट कर दिए थे, और सारे क्वेश्चन जो है मैंने लिख लिए थे। जितने भी क्वेश्चन मुझे नहीं बन रहे थे, ऑलमोस्ट मुझे सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे कि बनते ही नहीं थे, क्योंकि मेरा GK इतना स्ट्रांग नहीं था, जितना अभी स्ट्रांग है कि मैं पढ़ा पाती हूँ, उतना स्ट्रांग नहीं था। मैंने बहुत मेहनत ली है GK को, ऑब्वियस है कि भाई एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट GK में कैसे एक्सपर्ट हो सकता है ना। तो मैंने GK के लिए उस टेस्ट बुक का वो सेक्शन यूज़ किया था GK का, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस बने थे ना,
सारे क्वेश्चंस मैंने एक बहुत मोटी सी डायरी बन गई थी मेरी, और मैं उसको रोज़ रट्टा मारती थी, रोज़ रट्टा मारती थी। ठीक है, तो फैक्चुअल चीज़ें तो रट्टा ही मारनी होती है, तो मैं कैसे करती थी कि डिनर के पहले मैं उसको पढ़ना ही पढ़ना है, अदरवाइज मैं डिनर मतलब लेट कर लूँगी इस तरह से। और सुबह उठते ही नाश्ता करने से पहले मैं पढ़ लेती थी, नाश्ता करने के लिए टाइम लगा तो लगा बट मैं पढ़ लेती थी। तो इस हिसाब से क्या होता था कि मैं वो क्वेश्चंस रिपीट रिपीट अपने दिमाग में बम्बार्डमेंट करती थी, और आप मानोगे नहीं, मुझे अप्रॉक्स जितना भी मैंने पढ़ रखा था वो मोटी सी बुक में, अप्रॉक्स एज इट इज़ क्वेश्चन, ठीक है, एज इट इज़ तो 3 क्वेश्चंस बने थे, और बाकी जितने 50 क्वेश्चन ही होते हैं आई थिंक जीके के, हाँ लेट मी जस्ट रिकॉल इट, या 50 क्वेश्चन ही होते हैं, तो मेरे 43 प्लस क्वेश्चन बने थे। मतलब जो बंदी जीके जानती नहीं थी वो 43 प्लस क्वेश्चन करके आई थी, ठीक है। मतलब मैंने पढ़ा था, ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं था, बट क्वेश्चन आंसर करने का भी एक तरीका होता है, जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे उसको नोट डाउन करो, भले फैक्चुअल हो भले कंसेप्चुअल हो, नोट डाउन करो, उसके कंसेप्ट लिखो और फिर वो क्वेश्चंस बनाओ। क्वेश्चंस कैसे बनाओगे, उसको एक बार पढ़ लोगे तो फिर से अगला जो सेट लगाओगे ना उसमें वो एक ना एक क्वेश्चन होगा ही होगा, ठीक है। इस तरह से स्मार्टली आप अगर अप्रोच रखोगे टेस्ट सीरीज देने का तो उसको वो पैसा भी वसूल हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI हैज़ इम्पोज अ फाइन ऑफ 200 करोड़ रुपीज़ ऑन विच कंपनी फॉर इट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एफर्ट्स। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस कंपनी पर प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रयासों के लिए 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। तो ये कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डालने की क्या ज़रूरत थी मैम, ये क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा, हाँ पूछा नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइन लगता है अलग अलग कंपनियों पे, बट जो कंपनियों पे फाइन लगता है वो कंपनी हाईलाइट हो जाती है, ठीक है। हाईलाइट इस तरह से हो जाती है कि उसके शेयर मार्केट के शेयर गिर जाते हैं, या फिर यू नो लाइक कि उसके इमेज ही खराब हो जाती है। इमेज खराब होती है बट उसके बारे में क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछ लेता है एग्जामिनर। तो मारुति सुजुकी इंडिया का आप MD CEO याद कर लो और टैगलाइन याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ला गणेशन हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो जैसे मैंने आपको कल कहा था कि भाई मिजोरम के लिए अतिरिक्त प्रभार किसको दिया जा रहा है, तो हमारे BD मिश्रा जी को दिया जा रहा है ना। अब देखो मणिपुर के जो है न्यू गवर्नर बने हैं ला गणेशन, ठीक है, मणिपुर के न्यू गवर्नर बने हैं ला गणेशन। आप लोग क्या करना, PDF में उसको नोट डाउन कर लेना या फिर कहीं लिख लेना, तो यही एक आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होता है। अगर आप क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज देखते हो या क्वेश्चन आंसर करते हो खुद से, तो एक प्लस पॉइंट होता है कि भाई जो भी अपडेटेड चीज़ें हैं आपके दिमाग में बैठी हुई रहती है। स्टैटिक तो हो ही जाएगा, ठीक है, स्टैटिक विदाउट अ डाउट हो जाएगा, बट जो करंट अपडेशन है वो भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE हैज़ अनाउंस अ मीडियम टर्म टारगेट ऑफ 5 GW बाय द ईयर 2022 एंड लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ हाउ मेनी GW बाय द ईयर 2030। अब इसी क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, अगर आपकी क्या कहते हैं वो स्टूडेंट वो जो सीखने वाली मेंटालिटी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 2022 में कितने GW का टारगेट रखा है, 5 GW का। या फिर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई 5 GW का टारगेट रखा गया है तो कौन से साल तक रखा गया है, 2022 तक रखा गया है। अब 2030 का जो लॉन्ग टर्म वाला टारगेट है वो कितना है, तो वो है 30 GW। मतलब 5 GW से डायरेक्ट 30 GW पे हम जंप करेंगे 6 times, और ऐसे भी याद हो सकता है 2030 तो 30 GW ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो चीफ मिनिस्टर हमारे कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं बसवराज बोमाई, ठीक है। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करूँ तो कर्नाटका के स्टूडेंट स्पेशली आप लोगों को सॉरी, और ऑल ओवर द इंडिया सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो रहा है तो, ठीक है, बसवराज बोमाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन इज़ द कारगिल विजय दिवस हैज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द इंडिया। तो भारत में हर साल कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है, और रिसेंटली आई थिंक इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, ठीक है। अगर आपने वो मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कैसी मूवी है, तो मैं इस संडे देख लूँगी उस मूवी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट यूनेस्को हैज़ इंक्लूडेड द हरप्पन एरा
मेट्रोपोलिस धोलावीरा इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो यूनेस्को ने किस राज्य में हरप्पा युग के महानगर धोलावीरा को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है? तो ये राज्य है गुजरात। ठीक है, ये याद रखना है आपको। गुजरात में जो धोलावीरा है, जो मोहनजोदड़ो के टाइम का धोलावीरा, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। तो 10 क्वेश्चंस थे, 250 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक, और आने वाले टाइम में हम पूरे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।